गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने फाइलम एनिलिडा के जनरल करैक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम उसी फाइलम के एक जनरल क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे और उस क्लासिफिकेशन में हम यहाँ पर इसकी जो मेजर क्लासेज हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे। देखो, एनिलिडा जो क्लास है, उस एनिलिडा क्लास की जो क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन है। हमने प्रीवियस क्लास में एनिलिडा के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन के रिगार्डिंग बात की थी। उसमें लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में पैरापोडिया, कुछ जगह आपको सीटी दिखाई दे रही थी और कुछ जगह पैरापोडिया की जगह आपको सकर और मसल जो है वो आपके इसके लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में जाने जा रहे थे। आज हम उसी लोकोमोटरी ऑर्गन के बिहाफ हम इसकी जो है क्लासेज के बारे में जिक्र करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके क्लासिफिकेशन की जो फर्स्ट क्लास है उस फर्स्ट क्लास के अंदर क्लास पॉलीकिटा के बारे में जिक्र करेंगे। नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर पॉली मीन्स बहुत सारे और कीटा मीन्स आप सीटी के बारे में बात कर सकते हो या फिर आप लोकोमोटरी ऑर्गन के रिगार्डिंग बात कर सकते हो। इसके अंदर हमारे इस फाइलम के अंदर पैरापोडिया जो लोकोमोटरी ऑर्गन थे उस पैरापोडिया के बारे में हमने स्ट्रक्चर भी देखी थी। उसमें बहुत सारे जो है सीटी भी मौजूद थे एक गुच्छे के रूप में। तो इस क्लास की खासियत ये है कि भी पैरापोडिया जो है वो आपको मिलेंगे इसके अंदर और साथ में उसके अंदर आपको बहुत सारी सीटी उसके अंदर दिखाई देंगे। पैरापोडिया के अंदर हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हो इसके अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल नेरिज, जिसको आपने सैंड वर्म के नाम से भी जाना था और ये आप एक एग्जाम्पल इसका देख रहे हैं इसके अंदर सैंड वर्म नेरिज, क्योंकि ये समुद्रों के अंदर जो है ज़मीन जो छिछली होती है उसके अंदर ये बिल बनाकर रहता है। इसी तरीके से इसी का एक मेम्बर है वो है हेट्रोनेरिज। हेट्रोनेरिज देख रहे हो, एक्चुअल में हेट्रोनेरिज इसका नाम इस वजह से पड़ा है कि इसके जो ये पैरापोडिया है उस पैरापोडिया के अंदर आपको वेरिएशन मिलेगी। मतलब एक स्टेज है नेरिज की ये, जिसमें आपको पैरापोडिया का साइज जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है आधे पार्ट के अंदर बॉडी के अंदर, और आधे पार्ट के अंदर जो है नॉर्मल साइज के जो है पैरापोडिया इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इस वजह से इसे हेट्रोनेरिज के नाम से हम इसके नाम से इसे जानते हैं। इसके अंदर एक और इसका फेमस एग्जाम्पल है वो है पीडल वर्म। पीडल वर्म आप देख रहे हो इसके अंदर ये कीटोप्टेरस जो एक सिंपल सा एनिमल दिख रहा है, लेकिन हालांकि इसके पैरापोडिया जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं इसके साइड में, ये मार्जिन के रूप पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ हमारी जो फर्स्ट क्लास जो है इसके अंदर, इस क्लास का जो बेसिक था वो था इसके अंदर पैरापोडिया विद सीटी पाया जाना, ये लोकोमोटरी ऑर्गन क्लास पॉलीकिटा की खासियत थी। इसके अंदर फिर बात आती है इसके अंदर ओलिगोकीटा। ओलिगोकीटा जो क्लास है उस ओलिगोकीटा की खासियत ये है कि भी इसके अंदर आपको पैरापोडिया की बजाय सीटी जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गन मिलेंगे और वो जनरली जो है बॉडी सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि आप हेरिटिमा जिसको इंडियन अर्थवर्म के नाम से जानते हैं, ये एक एग्जांपल आप देख रहे हो, इसकी फोटोग्राफ भी है। जो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है इसको जो है, मतलब एग्रीकल्चर के अंदर जो है सजेस्ट किया जाता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा जो वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए इसको। और दूसरा इसका ये एक मेंबर और है जिसे लुम्ब्रिकस बोलते हैं, जिसे यूरोपियन अर्थवर्म के नाम से जानते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भी यहाँ पर दो एग्जाम्पल हमने देखे, तो इनके ओलिगोकीटा की खासियत क्या है कि भी इनके ऊपर सीटी जो है वो पाए जाते हैं और स्किन के ऊपर ही ये मौजूद होते हैं और उनसे ही ये क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कशन करेंगे इसके रिगार्डिंग, तो वो हमारा टॉपिक रहेगा, क्लास रहेगी हिरुडिनिया। हिरुडिनिया क्लास, जैसे कि नाम आप देख रहे हो इसके अंदर हिरुडिनेरिया, जिसको आप कैटल लीच के नाम से जानते हैं, उस हिरुडिनेरिया के कारण ही इसका जो है नाम हिरुडिनिया पड़ा है। एक्चुअल में हिरुडिनिया जो है एनिमल या इस तरीके की जो, मतलब ये मेंबर जो होंगे एनिलिड्स, वो ब्लड सकिंग नेचर के या पैरासिटिक नेचर के ये एनिमल होते हैं और साथ में इसके अंदर जो है मतलब सलाइवा के अंदर एक एंटीकोएग्लुटिनेट सब्सटेंस जो ब्लड को जमने नहीं देता वो सब्सटेंस इसके अंदर पाया
पाया जाता है, ठीक है। लेकिन बात करेंगे इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन के रिगार्डिंग, तो इसमें पैरापोडिया और सीटी जो है वो एब्सेंट होते हैं, और साथ ही इसके अंदर आपको लोकोमोशन के लिए सकर जो है मतलब चुस्कांग जिसे हम कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो इसके अंदर हिरुडिनेरिया के अंदर जो है ये पोस्टीरियर सकर और ये एंटीरियर सकर, इसी तरीके से हीमोपिस जो है उसके अंदर भी आपको ये सकर दिखाई देंगे। तो प्रेजेंस ऑफ सकर इन स्पाइट ऑफ पैरापोडिया या सीटी, यानी कि पैरापोडिया और सीटी के बजाय यहाँ पर इसके अंदर आपको जो है मतलब लोकोमोशन के अंदर हेल्प करने के लिए आपको सकर जो है वो इसके अंदर मिलेंगे। सकर का दो काम है, एक तो ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, दूसरा इसका काम ये होता है कि भी ये होस्ट बॉडी से अटैचमेंट प्रोवाइड करने में भी क्या करता है, सहायता करता है, और साथ में इसके फीडिंग में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि हिरुडिनेरिया जिसको आप कैटल लीच बोलते हैं, जनरली ये पौंड वगैरह नदियों वगैरह उसके अंदर ये पाया जाता है, और जहाँ पर जो है जानवर वगैरह जो नहाते हैं उन नहाने वाले जो जानवर हैं उनके शरीर के ऊपर ये चिपक जाता है, और चिपकने के साथ ही उसके जो ब्लड है स्किन को जो है ये डैमेज करता है, वही इसको काटते हुए जो है उसके ब्लड को क्या करता है, ये फीड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हिरुडिनेरिया, इसी तरीके से हीमोपिस, इसको आप हॉर्स लीस के नाम से जानते हैं, इसकी डायग्राम आप ये फोटोग्राफ के रूप में देख रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ थोड़ी सी इसकी जो है मतलब सरफेस जो है वो आपकी क्रीमी येलो कलर की दिखाई दे रही है इसके अंदर। इसी तरीके से बोलेनेला, एक ये भी आपका इम्पोर्टेंट जो है मतलब समुद्र में पाए जाने वाला मेंबर है, जिसको आप यहाँ फोटोग्राफ में देख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैमल जो है वो सॉरी ये आपके जो एनिमल है क्लास हिरुडिनिया के अंदर शामिल किए जाते हैं। इसके बाद जो है आप एक क्लास और देखेंगे इसके अंदर, वो क्लास रहेगी इसके अंदर आर्किनेला। आर्किनेला जो क्लास है इसके अंदर सीटी और जो भी लोकोमोटरी ऑर्गन है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये अपने जो है शरीर को पानी के अंदर तैरते हुए कुछ न कुछ मूवमेंट करते हुए गति करते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी खास बात और है कि भी ये बिल्कुल सिंपल टाइप के एनिमल होते हैं, और सिंपल टाइप के एनिमल के अंदर ये आप देखोगे दो एग्जाम्पल इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर पॉली गोडुलस, ठीक है। इसी तरीके से आपका प्रोटो ड्रिलस जो है, दो एनिमल जो है वो आप देख रहे हो इसके अंदर, ये फोटोग्राफ भी इसकी डाली हुई है। इतनी ज़्यादा इसके अंदर हम डिटेल नहीं डिस्कशन कर रहे, क्योंकि इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो स्पेशली हम डिस्कशन नहीं कर रहे, केवल इनके जो लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होने के कारण इसको एनिलिडा के अंदर एक फाइलम सॉरी एक क्लास के अंदर और इसको क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया। तो ये तो था हमारा हिरुडिन सॉरी अपने एनिलिडा जो क्लास है उस क्लास के एक जनरल क्लासिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, तब तक के लिए हम आपसे जो है इजाजत मांगते हैं और धन्यवाद।